इंडियन आइडल का सीजन 11 काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है। शो पर हर हफ्ते नया एपिसोड होता है। हर एपिसोड में शो पर नए मेहमान पहुंचते हैं। इस हफ्ते भी सेट पर मेहमान पहुंचने वाले हैं और एक खास मेहमान है जो इस हफ्ते इंडियन आइडल के सेट पर आएंगे। वो खास मेहमान है बॉलीवुड इंडस्ट्री को डिस्को और पॉप से रूबरू करवाने वाले बप्पी लहरी। बप्पी दा इंडियन आइडल के सेट पर अपनी गोल्डन जुबली पूरी होने पर आने वाले हैं और इंडियन आइडल के कंटेस्टेंट देंगे बप्पी दा को अपने गानों से ट्रिब्यूट। इन 50 सालों में बप्पी दा ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को तमाम तरह के फेमस गाने दिए हैं। वहीं डिस्को और पॉप क्या होता है ये भी बप्पी दा ने ही बॉलीवुड को बताया है। जब सेट पर बप्पी दा पहुंचे तब शो के सबसे फेमस कंटेस्टेंट सनी हिंदुस्तानी ने कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि बप्पी दा भी खुश हो गए। सनी हिंदुस्तानी ने मंजिलें अपनी जगह हैं, रास्ते अपनी जगह गाना बड़े ही खूबसूरती से गाया। इस गाने के गीतकार प्रकाश मेहरा हैं, गायक किशोर कुमार हैं और संगीतकार बप्पी लहरी हैं। ये गाना शराबी फिल्म का है। जब सनी ने इस गाने को गाया तब बप्पी दा बड़े ही ध्यान से सनी को सुन रहे थे। सनी के गाना खत्म करने के बाद सभी ने सनी की तारीफ की। वहीं बप्पी दा ने कहा कि ये गाना किशोर दा ने गाया है, इस गाने के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, ये गाना ऐतिहासिक है। लास्ट फिल्म फेयर हुआ था शुभगन हॉल में, वहाँ ये गाना किशोर दा ने गाया था। ये गाना गाने के बाद किशोर दा ने कहा था कि बप्पी क्या गाना कंपोज किया है। बप्पी दा को सनी का गाना बहुत पसंद आया। बप्पी दा के अलावा सेट पर फिल्म पंगा की स्टार कास्ट भी पहुंची। सनी का गाना सुन सभी ने सनी की तारीफ की। सनी ने फिल्म पंगा के गाने में भी अपनी आवाज़ दी है। सेट पर आई स्टार कास्ट ने इस बात की जानकारी भी दी कि सनी ने फिल्म पंगा के गाने जुगनू में अपनी आवाज़ दी है। इस बात पर शो के जज विशाल ददलानी ने इंडियन आइडल फैमिली की ओर से फिल्म पंगा को सक्सेस के लिए विश किया। शो ने एक वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी है जिसमें इंडियन आइडल के जज विशाल ददलानी और शो के होस्ट आदित्य नारायण हाथ पकड़कर बप्पी दा को स्टेज पर लाते हुए दिख रहे हैं। सभी ने बप्पी दा का खड़े होकर वेलकम किया। आदित्य बप्पी दा से पूछते हैं कि बप्पी दा 50 सालों का ये सफ़र। इस पर बप्पी दा कहते हैं कि मैं यहाँ सिर्फ इंडियन आइडल के लिए आया हूँ, आई लव इंडियन आइडल। साथ ही बप्पी दा ने कहा कि ये जो 50 साल हैं ऐसा लगता है कि ये सपना है, कैसे निकल गया मुझे नहीं मालूम, आप लोगों का बस प्यार चाहिए। इसके बाद बप्पी दा एक गाना भी गाते हैं। सेट पर बप्पी दा ने दे दे प्यार दे गाया। बप्पी दा के गाने को सुनकर सभी झूम उठे। अब जब बप्पी दा सेट पर पहुंचेंगे तब उनके गानों की धूम मचने वाली है। बप्पी दा को इंडस्ट्री में 50 साल पूरे हो चुके हैं। इन 50 सालों में बप्पी दा ने म्यूज़िक इंडस्ट्री को कई यादगार गाने दिए हैं। बप्पी दा के इन्हीं गानों की धूम सेट पर मचने वाली है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।